रामचंद्र शर्मा कन्या इंटर कॉलेज मुरादाबाद में पुलिस विभाग द्वारा नारी सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि एएसपी रईस अख्तर खान रहे। उन्होंने छात्राओं को नारी की सुरक्षा और अधिकारों की जानकारी दी और निडर होकर अपनी समस्या को कैसे कहना है। उन्होंने कहा कि आप अपनी शिकायत 100 नंबर या फिर 1090 नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। सिविल लाइन थाना अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने भी किसी भी समस्या की शिकायत पर तुरंत कार्यवाही का भरोसा दिलाया। अंत में प्रधानाचार्य मधुबाला त्यागी ने छात्राओं को नारी के अधिकारों के विषय में जागरूक होने के लिए कहा, साथ ही 1090 के बारे में बताया और सभी का आभार भी व्यक्त किया। और कुछ कानून जो आपको मिले हुए हैं जिनसे आपकी सुरक्षा सुदृढ़ हो सकेगी, उस संबंध में भी आपको कुछ जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। क्या आप लोग बता सकते हैं आपने 100 नंबर के बारे में सुना है? पहले कभी इस्तेमाल किया है? 1090 उसको विगत पावर लाइन बोलते हैं यहाँ पे। तो 1090 के बारे में आप लोग को कुछ तो हो गया होगा। अगर शिकायत करती हैं तो ये किसी को नहीं मालूम चलेगा कि आपने शिकायत की है। जिसकी शिकायत की है उसको भी नहीं मालूम चलेगा कि आपने शिकायत की। आपके घर वालों को भी नहीं पता चलेगा। सबसे पहले रिस्पॉन्स पुलिस अधिकारी करेंगे, उससे सीधा बात करके उसको समझाएंगे बुझाएंगे। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तब उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। वो आए और कुछ इस विषय पे और विचार करें। अच्छा, बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ बेटे ही कुछ नहीं कर सकते, बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं क्योंकि बेटियां भी किसी से कम नहीं है। धन्यवाद। तो हमारे स्कूल की या कोई और लड़कों को प्रचार करते हैं जिसका संचार है हमारे प्रिंसिपल मैडम ने किया है और मैं उन लड़कियों की पूरी सहायता करती हैं जो इस तरह की। और मैं रामचंद्र शर्मा कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हूँ। आज हमारे कॉलेज में पुलिस विभाग के द्वारा नारी सुरक्षा कार्यक्रम पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें हमारे एएसपी साहब और सिविल लाइन्स के थाना अध्यक्ष तथा उनकी टीम विद्यालय में उपस्थित हुई और छात्राओं को अपनी सुरक्षा के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में तथा 1090 जो एक नंबर है जो उनकी सुरक्षा के लिए एक हथियार का काम करता है उसके बारे में बताया तथा हम भी अपने विद्यालय में सुबह सेमिनार में नारी सशक्तिकरण के बारे में बताते रहते हैं और मैं अपने आप को तथा अपनी छात्राओं को किसी शेरनी से कम नहीं समझती। हम शेरनी हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। हम अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं तथा आसपास भी कोई ऐसे दिखाई देता जो पीड़ित है हम उसकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। हमारी एक टीम गठित है जो गुलाबी जयंत के नाम से है जिसका नाम बदल करके अब हम शक्ति ग्रुप रख रहे हैं। इसमें हमारी जो है 11 छात्राएं, एक उसमें अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और 11 जो है उसमें सदस्य हैं। ये टीम हमारी गुपचुप अपने स्तर से काम करती है और कोई सुविधा कोई इस तरह से कोई ऐसा अराजक तत्व मिलते हैं तो हम खुद निपट लेते हैं तथा उसकी धुनाई करें या हम पिटाई करें या उसे समझाएँ या उसको मोटिवेट करें हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन पुलिस में हम नहीं भेजते। हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे का कैरियर खराब हो और बच्चा अपराधी श्रेणी में आए। आज तक है हमें बहुत फ़ायदा मिला है। कभी पुलिस विभाग में हम इस चीज़ की कंप्लेंट भी नहीं कराते पर ये हमारा जो है जब तक मैं हूँ यहाँ प्रिंसिपल हमारा ये कार्य हमेशा चलता रहेगा और पूरे दृढ़ता के साथ हम इस कार्य पर तत्पर रहेंगे।